देखो मैं अभी मधुबनी में आया हूँ और मधुबनी में एक लहरियागंज यहाँ पे एक होटल है गुकुर राज, इसी के बारे में जानकारी कुछ लेने आया हूँ। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल और आपको रूम्स वगैरह सब मिल जाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ का फैसिलिटी आपको सारे चीज़ बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में और आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ और रूम्स के बारे में बताऊँगा कितने कीमत है एक दिन का, रेस्टोरेंट में क्या चीज़ का फैसिलिटी सारी चीज़ बताऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अंदर ले जाता हूँ आपको, आइए अंदर ले जाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ का फैसिलिटी है। ये देखिए ये इंटर हॉल है, ये आपको इंटर मतलब जब गेट में आइएगा तो ये इंटर है, ये जाने के और बाकी आपको ऊपर ले जाएंगे, रूम्स वगैरह भी होगा, रेस्टोरेंट होगा और बैंक्वेट हॉल है और मैरिज भी हॉल है। तो सारे देखा है इंटर हॉल कैसा है ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, आप लोग को बताइए कैसा लग रहा है। बाकी मैनेजर साहब से भी बात करेंगे कि इसमें रूम्स वगैरह का क्या मतलब सिस्टम वगैरह है, कितने खर्च आता है एक दिन का और कितने क्या चीज़ हैं, सारे चीज़ जानकारी दूंगा आपको। तो बने रहिए मैं मैनेजर साहब से बात करके दिखाता हूँ। अभी होटल गुकुर राज का मैं रूम्स दिखाऊंगा और इसमें क्या क्या चीज़ का सिस्टम वगैरह रूम्स में और क्या कीमत है, एक दिन का प्राइस कितना है, अदर जो भी जितने दिन रुकता है उसका कीमत कितना है। तो अभी मैनेजर साहब से बात करेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं रूम्स वगैरह कि कितने रूम्स है, आइए आइए इधर दिखाइए, ये रूम सेटअप है ना? यस जी सर, रूम्स पहले दिखा दीजिए तब तो इसके बाद मैं मैनेजर साहब से बात करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ का सिस्टम वगैरह है। सर एक मिनट अंदर आ जाए, ये देखिए ये रूम्स वगैरह है, ये इसमें एसी का भी है और फैन भी है और टीवी वगैरह भी है और अदर्स दो सोफ़ा भी है और एक बेड है, अन्यथा और चीज़ भी है दिखा दीजिए सर। ये बाथरूम में नहाने वाला और टॉयलेट इसी में है, दोनों चीज़ इसी में, टॉयलेट भी है और नहाने वाला भी है, दोनों है, वॉशरूम है, सारे चीज़ है। बाकी अभी मैनेजर साहब से मैं बात करता हूँ स्पेशल इसमें क्या क्या चीज़ है। जी हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिस्टर अरविंद कुमार हुआ, मैं होटल गोकुल राज पे। थोड़ा इधर आ जाइए इधर से। जी इस रूम्स के बारे में बताइए सर, इसमें क्या क्या चीज़ का मतलब फैसिलिटी है? होटल गोकुल राज का सर स्पेशल रूम है, स्वीट रूम इसको हम लोग बोलते हैं। इस रूम में सर, इस रूम का एक दिन का मेरा चेकआउट टाइम है 12 नून दोपहर 12 बजे। इस रूम में सर हमारा रूम का है सिंगल ऑक्यूपेंसी में, अगर आप स्टे कर रहे हैं तो 4500 प्लस GST, डबल ऑक्यूपेंसी में अगर स्टे कर रहे हैं 5000 प्लस GST। इस रूम में सर सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड है, मॉर्निंग फास्ट ब्रेकफास्ट में फ्रूट का आइटम है सर, जो फ्रूट बास्केट हम लोग प्रोवाइड करते हैं जी, और जो अपना बूफे लगता है यहाँ ब्रेकफास्ट का वो इसमें इंक्लूड है एसी पैकेज में जी। अगर इसमें सिर्फ एक दिन का कितने चार्ज है, बाकी अन्यथा जो भी और ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं, कोई रहते हैं 20 दिन या एक महीना, कॉर्पोरेट गेस्ट अगर रहते हैं सर कोई किसी कंपनी वंपनी से तो उनको 15% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट देते हैं। अन्यथा जो मतलब आते हैं दूर से जिसको एक महीना रहना हो या 2 महीना रहना, उसके लिए भी है? हाँ उसके लिए भी है, एक देख लेते हैं पैकेज उनका किस कंपनी से बिलोंग करते हैं क्या है उनका, उस हिसाब से हम लोग रेट वेट रेट सेट करते हैं ना, मतलब फिक्स नहीं है कि इतना इतना देना ही है ना, ऐसे ही मेरा टैरिफ है जी 5000 प्लस GST डबल ऑक्यूपेंसी में जी। बाकी इसके बारे में और भी कुछ स्पेशल बता दीजिए। हाँ ये रूम में सर इंक्लूड है, आप देख सकते हैं हमारे रूम में हॉट वाटर टी का पूरा सेटअप है, जो इधर आ जाइए सर, शेल्फ है, हाँ इधर देखिए सर, शेल्फ वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रूम सर्विस भी हमारा जी, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो पे होता है इसमें, ये हमारा रूम कहाँ इंटरकॉम है सर, इंटरकॉम जी, मतलब किसी को बुलाना हो जी जी इंटरकॉम से, इंटरकॉम किसी को कोई चीज़ के लिए बुलाना हो, इसमें मेंशन रहता है रेस्टोरेंट और रिसेप्शन का जी, हाउसकीपिंग का जी, मेंशन बहुत ही अच्छा है। अगर किसी भाई को आना है अगर होटल गुकुर राज में और रूम्स के लिए है तो बहुत ही अच्छा रूम्स मुझे लगा, आप लोग को कैसा लगा देख के बताना है ना सर। जी या फुल एसी रूम है सर, फुल एसी रूम है और इसमें कोई चीज़ का आपको मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ का कमी छोड़ा है इसमें जी, आप देख सकते हैं सर। जी इसमें कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ा है, बाकी सारे चीज़ दिया है जो होना चाहिए, जैसे लग रहा है कि हाँ कहीं आए हैं है ना। और बाकी एक ये विंडो आप यहाँ से सीधे विंडो भी दे रखा है, ये देख लीजिए
बाकी रोड का नज़ारा देखने के लिए विंडो भी दे रखा है ताकि हाँ जो ताकि जो सूरज वगैरह जो सुबह का धूप आता है सनराइट हाँ जी सनराइट के लिए दे रखा है कि मतलब अपना खोल के लगा सके है ना सर जी। अलग सेपरेट व्यवस्था हम लोग दे रखे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट 8-10 लोग आराम से यहाँ सोफे पे बैठ के बातचीत कर सकते हैं, विजिटर को भी कोई प्रॉब्लम हो इसके लिए इनके साइड से बगल में इनके अटैच नहीं करके बाहर में हम लोग इसका वॉशरूम दे रखे हैं। इधर देखा दीजिए बाहर का भी वॉशरूम देखा दीजिए थोड़ा सा, ताकि जो मतलब गेस्ट लोग आता है उसको अंदर ना जाना पड़े जो फैमिली के साथ रहता है, इसके लिए स्पेशल ये बना रखा है। ये देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत है, इसमें सारे चीज़ का आपको फैसिलिटी मिलेगा, कोई चीज़ का कमी नहीं दे रखा है सर ने, सारे चीज़ इसमें मेंशन कर रखा है जी। और बाहर में भी आपको एसी है और बाहर में भी आपको टीवी वगैरह मिल जाएगा है ना, तो आपको जिसको आना है और आ सकते हो आराम से, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा से दे रखा है गोकुल होटल राज ने, ये मधुबनी का मुझे लगता है कि नॉर्थ बिहार का सबसे बेस्ट होटल आपको, नॉर्थ बिहार का जी वन ऑफ द बेस्ट है आपको मिलेगा यहाँ पे। और भी बता दीजिए कुछ टूरिज्म में, ऐसे हमारे होटल में ज़्यादातर टूरिज्म लोग जो आते हैं यहाँ मिथिला पेंटिंग के लिए जो प्रसिद्ध है, वो अक्सर गेस्ट हमारे यहाँ जी मिथिला पेंटिंग के जो बाहर से आते हैं पेंटिंग जी यहाँ स्टे करते हैं, उनको इस तरह का सर्विस बिहार में पटना के बाद आपको ये नॉर्थ बिहार में। ये देखो बिहार में है ना, जो पटना के बाद है ये मधुबनी में सबसे बेस्ट है ना, बेस्ट है वन ऑफ द का मतलब। इस होटल में जो भी स्टाफ भी है आपका सब बाहर का ही है, लोकल कोई स्टाफ नहीं, सब बाहर का है, ये यहाँ पे बिहार का कोई नहीं है, सब बाहर का है ना, बिहार के हैं मतलब लोकल, यहाँ से उत्तरी बिहार से कोई नहीं है, सब जो कुछ भी है आपको कोई यूपी से मिलेंगे, कोई झारखंड से मिलेंगे जी। स्पेशल है मतलब जो वहाँ पे अलग अलग होटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं ना जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको बैंक्वेट हॉल भी दिखाएंगे आगे, उसमें वीडियो में बने नहीं रहो, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।